जय हिंद दोस्तों। आज 28 सितंबर केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, 50% नौकरी में कोटा, पेंशन भी मिलेगी। 78 दिनों का दिवाली बोनस और कोविड-19 का बकाया 18 महीने पर, इस पर बड़ी अपडेट है। ओआरओपी 3 एरियर पर बड़ी अपडेट है, 3 महीने का एरियर नहीं मिला है। स्पर्श का एक मेल आया है, इस पर बात करेंगे। आज के लिए ईसीएचएस ने जारी किया अर्जेंट लेटर, इस पर बड़ी अपडेट है। और ईएमई के सैनिकों के लिए हमराही गाइडलाइंस जारी हुई है। एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों के लिए आज खास खबर है, 4 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। नाबार्ड में पूर्व सैनिक JCOR की भर्ती है, 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पहली खबर और अच्छी खबर पर बात करते हैं। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, नौकरी में 50% तक कोटा मिलेगा। और बता दें, ये कोटा ब्रह्मोस एयर स्पेस में अग्निवीरों को मिलेगा। आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। 27 सितंबर 2024 की अमर उजाला की ये खबर है। भारत और रूस में संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों को कंपनी में नौकरियां आरक्षित करने का ऐलान किया है। ब्रह्मोस एयर स्पेस ने टेक्नीशियन एंट्रीज में 15% आरक्षण और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में 50% आरक्षण देने की बात कही है। यानी कि जो टेक्निकल एंट्री होगी एयर स्पेस में, ब्रह्मोस एयर स्पेस में, उसमें 15% आरक्षण, और जो प्रशासनिक या सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित नौकरी होंगी उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी पहली कंपनी बन गई है जिसने आरक्षण की घोषणा की है। 50% आरक्षण उनमें दिया जाएगा जो उनकी काबिलियत है अग्निवीरों की, जैसे कि सिक्योरिटी भूमिकाओं में या प्रशासनिक भूमिकाओं में उनको आरक्षण दिया जाएगा। वहीं एक बड़ी अपडेट आई है, अग्निवीर फॉर पेंशन, पेंशन फॉर अग्निवीर, ये बड़ी घोषणा की गई है। देश में हर अग्निवीरों को देंगे पेंशन वाली नौकरी। हरियाणा के रेवाड़ी चुनाव रैली में अमित शाह ने ये बड़ी घोषणा की है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार 27 सितंबर को हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा है कि सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया है। और बात कर लेते हैं, इसी पर एक बड़ी अपडेट आई है कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। ओआरओपी का मामला जो था वो शांत पड़ चुका है, क्योंकि ओआरओपी का भुगतान कर दिया गया है, और जो अभी जिनका नहीं भी हुआ है उनको अभी 30 तारीख से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन अब अग्निवीर का मामला थोड़ा जोर शोर से उठाया जा रहा है सभी विपक्षियों द्वारा। और बता दें, कुमारी शैलजा ने अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल, कहा सरकार आई तो बंद करेंगे योजना। यानी कि कांग्रेस की सरकार आई तो अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी। राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। तो कांग्रेस पहले से भी ये कहती आ रही है और फिर एक बार हरियाणा चुनाव में भी दोहराया जा रहा है। वहीं एक बड़ी अपडेट आई है आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। नौकरियों में आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल में चयन नहीं होगा। बता दें, यूपी पीएस जो पीएसी पीएससी है उसने आरक्षण आरक्षण जो है उसका चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है। जैसे कि कोई अगर रिजर्वेशन वाला है कोटा, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा है, ओबीसी कोटा है, एससी कोटा है, एसटी कोटा है, अगर इनसे कोई रिजर्वेशन के लिए उसने अप्लाई किया है कि हमें रिजर्वेशन, ओबीसी जैसे अप्लाई करता है तो रिजर्वेशन के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगानी पड़ती है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपने लगा दी और आपकी कट ऑफ जनरल से कट ऑफ के बराबर पहुंच गई तो आपको जनरल में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ओबीसी में ही दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे कोई ओबीसी ने अगर अप्लाई किया और उसने उसके नंबर जनरल कैटेगरी वाले 165 नंबर, जबकि 161 ओबीसी कट ऑफ है और जनरल की 165 है, अगर 165 नंबर या इससे ज्यादा आ गए तो उसको जनरल में डाल दिया जाता था और जनरल में उनको कोटा दे दिया जाता था। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, अगर आपने ओबीसी भरा तो फिर आपको ओबीसी में ही कोटा मिलेगा, जनरल में नहीं जा सकते हैं। तो ये बदलाव किया है, इस पर आप कमेंट करें क्या ये सही है या गलत है, या जनरल वाले के लिए सही हुआ या गलत हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है, रेलवे कर्मचारी संघ ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर
बोनस की मांग की है। और बता दें रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, रेलवे संगठनों ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा है, सरकार को नोटिस भेजा गया है कि जिसमें सरकार से 78 दिनों का बोनस मांगने की मांग की गई है। इसके अलावा रेलवे विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कारभार संभाला था और सब कुछ बंद था, लेकिन रेलवे चल रही थी। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का बकाया भी पैसा सरकार को देना पड़ेगा। राज्य सरकार पहले भी इसकी घोषणा कर चुकी है, जैसे कि यूपी में बोनस की घोषणा हो चुकी है और 4% डीए की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं डीए पर झारखंड सरकार ने भी इसकी डीए की घोषणा कर दी है, तो जल्द ही केंद्र सरकार भी घोषणा करेगी, क्योंकि ये आखिरी वीक में, जो मंथ का आखिरी वीक है, इसमें घोषणा की उम्मीद है। लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की है कि जो डीए है 4% बढ़ेगा या 3%। एक बड़ी अपडेट है ORP 3 के एरियर को लेकर, कई पेंशनर्स के पास ORP 3 के एरियर के मैसेज आए हैं, लेकिन जो ORP 3 का एरियर का मैसेज आ रहा है उसमें क्या चीज लिख के आ रहा है आप देख सकते हैं। डियर सजल कुमार बनर्जी, योर बैंक अकाउंट नंबर 100 एंड 100, क्रेडिट विद एन अमाउंट 1836 रुपए, लमसम पेमेंट पेंशन विल बी क्रेडिट इन अकाउंट ऑन 26 सितंबर 2024। ये पेंशन जो ORP एरियर था वो 26 सितंबर तक खातों में क्रेडिट होना था, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हो पाया और अभी तक इसके मैसेज आ रहे हैं। तो कई पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट भी हुआ है, लेकिन ये 26 सितंबर से मैसेज आ रहा है। कल मेरे पास भी आया है शाम को 8:47 पर, और इसमें भी 26 सितंबर का दे रहा है कि 26 सितंबर को आपके खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था शाम तक, और बता दें कि शाम तक क्रेडिट नहीं हुआ, हो सकता है कल सुबह, आज सुबह हो जाए, तो सुबह हो जाता है तो उसकी बात अलग, लेकिन ये 26 तारीख को ही इसका मैसेज आना शुरू हो गया था। सिस्टम की डिले की वजह से ये मैसेज लेट आपको पहुंच रहा है। एक बड़ी अपडेट आई है, और ये बड़ी अपडेट है, ECHS ने अर्जेंट लेटर भेजा है, और ये अर्जेंट लेटर है 26 सितंबर 2024 का। BPA पोर्टल डाउन डाउन चल रहा है, और उसकी वजह है जब आप इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो उसमें आपका BPA पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि अंगूठा लगता है, जिसके बाद आप इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। तो जो ये BPA पोर्टल है, इसमें साइट 26 सितंबर 2024 से शाम 6:30 से बंद चल रही है, और ये अभी तक बंद है। ये कब तक बंद रहेगी इसकी जानकारी उन्होंने दी है कि ये 2 दिन और बंद रहेगी, यानी कि 28 सितंबर 2024, यानी कि आज तक ये बंद रहेगी, शाम को 8 बजे तक ये बंद रह सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप ऑफलाइन इसका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लें, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप इलाज करा सकते हैं। कई पेंशनर्स ऐसे हैं कि इम्पैनल हॉस्पिटल में गए और उसके बाद वो विंडो खुली नहीं, उसके बाद उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद ये अर्जेंट लेटर जारी किया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट है, EME रिकॉर्ड की तरफ से सर्विंग और रिटायर्ड वेटरन्स के लिए ये लेटर जारी हुआ है, वीर नारी और डिपेंडेंट के लिए। हमराही करके एक एडवाइजरी जारी हुई है, नोटिस जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में EME के पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की है, उनको क्या क्या करना है। पूरा लेटर ये 36 पेज का है, जिसको पढ़ना है, जानना है, देखना है तो पूरा देख सकते हैं। जो भी EME रिकॉर्ड के आप इसका कमेंट करें तो इसका मैं लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे डाल दूंगा, लेकिन कमेंट करें तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, एयरफोर्स वेटरन्स के लिए है, 24 सितंबर 2024 का लेटर है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज टू ग्रुप ऑफ एयर वेटरन्स SNCOs फॉर वायु सैनिक मिलन, जो एयरफोर्स वेटरन्स के मिलन समारोह 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है, और ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जो भी एयर वेटरन्स हैं 4 अक्टूबर तक जा सकते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी इस मिलन समारोह में जाना चाहें वो जा सकते हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट की तरफ, ऑफिस अटेंडेंट की तरफ की वैकेंसी है। इसमें बता दें जो वैकेंसी है, 108 टोटल पद है। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है, 10th पास होना जरूरी है, ₹35,000 सैलरी रहेगी। 2 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 21/10/2024 तक। जो भी फॉर्म भरना भरेंगे 2 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तब तक के लिए आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।